नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आप सबका फ्रेंड मधुमंगल सिन्हा। हम यूजीसी नेट की फ्री ऑनलाइन क्लास से चलाते हैं। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट की पेपर 1। पेपर 1 में यूनिट 5 के बारे में डिटेल्स बातचीत करेंगे। उसमें है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड भी के कोई सारे पार्ट है। पहला है टाइप्स ऑफ रीजनिंग, उसके बाद आएगा नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड्स एंड रिलेशनशिप्स। थर्ड में आएगा मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, फ्रैक्शन, टाइम, डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सब कुछ इसमें है। उसके बाद उसमें है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग एवरेज, ये सब इसमें शामिल किया गया है। आइए फ्रेंड्स, हम डिटेल में बात करते हैं क्या क्या इसमें रखा है। मैथमेटिकल रीजनिंग फॉर एनटीए नेट एग्जाम के लिए टॉपिक टू बी कवर्ड फ्रॉम यूजीसी नेट रीजनिंग सिलेबस में। पहला जो है नंबर सीरीज, नंबर सीरीज पार्ट में है लेटर सीरीज है, उसके बाद है कोड्स है, उसके बाद रिलेशनशिप एंड क्लासिफिकेशन को भी इसमें रखा गया है। और एग्जाम में यूजीसी नेट के एग्जाम में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन नंबर सीरीज से आ जाता है। इसमें क्या होता है, देयर क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल सीक्वेंसेस। नंबर के सीरीज के सीक्वेंस के रूल्स को फॉलो करता है, पैटर्न को फॉलो करके एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का यहाँ रखा जाता है। नंबर 2 में हो गए, ए पर्टिकुलर सीरीज इज गिवेन फ्रॉम व्हिच द पैटर्न शुड बी एनालाइज्ड। कोई पैटर्न दिया जाता है, इस पैटर्न को एनालाइज करने का सक्षमता अभ्यर्थी को होने चाहिए। इसके बाद है नंबर 3 में आएगा, देर आर सम नंबर्स वो आर रॉन्गली पुट। सीरीज नंबर सीरीज में कोई ऐसा चीज है, ऐसा नंबर्स बताया जाता है जो रॉन्गली है बताया गया। तो हम सबको करना क्या है, इसमें जो रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर को डिटेक्ट करना है, यही हमारा काम होता है। उसके बाद आता है नंबर सीरीज क्वेश्चन, आर मोस्टली नंबर्स इन द सीरीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर। हर नंबर एक नंबर दूसरे नंबर से किसी एक स्पेसिफिक फॉर्मूला से रिलेट होता है, चाहे ये प्राइम नंबर हो या प्लस करके जाता है या माइनस करके जाता है। कोई कोई स्टेजेस पे प्लस मल्टीपल होता है, इसे उस फॉर्मूला का हम लोग फाइंड आउट करना है। और भी चीज़ होता है इसमें, क्या है हम इसमें क्या पैटर्न है, क्या पैटर्न को यूटिलाइज किया गया है, इस पैटर्न को अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद आता है रीजनिंग में, रीजनिंग में क्या होता है, ट्राई टू एनालाइज द गिवन पैटर्न सच एज प्राइम नंबर, परफेक्ट स्क्वायर, क्यूब सीरीज ऑफ अननोन नंबर्स लाइक मैथमेटिकल प्रोग्रेशंस, ये भी इसमें रखा जाता है। तो अब हम बात करते हैं कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे क्या कॉमन पैटर्न इन नंबर सीरीज में, क्या पैटर्न होता है। पहला होता है कि एरिथमेटिक सीरीज। एरिथमेटिक सीरीज में दिस कुड बी ऑफ टू टाइप इन व्हिच द नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग, सब्स्ट्रैक्टिंग कॉन्स्टेंट नंबर टू और इट्स प्रीवियस नंबर। कॉमन डिफरेंसेस को इसमें देखा जाता है, जैसे है 4, 9, 14, 19, 24, 29, 23। इसमें एक सीरीज है, उसको हम अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद आता है जियोमेट्रिक सीक्वेंसेस, जियोमेट्रिक सीक्वेंस को भी हम लोग अंडरस्टैंड करना है। वहाँ पे कहा कुछ कुछ टाइम ये होता है कि वह मल्टीप्लीकेशन का भी यूज़ करना होता है। पैटर्न इन अल्टरनेट नंबर का पैटर्न भी इसमें शामिल किया जाता है। अल्टरनेट नंबर मीन्स ओड वन आउट होता है, कॉम्प्लेक्स सीरीज भी इसमें होता है, क्यूब रूट और स्क्वायर रूट को भी इसमें रखा जाता है।
और भी ऐसा है कि कहा इसमें मिक्स्ड पैटर्न को भी इसमें रखा जाता है। तो ये था फ्रेंड्स आज मैथमेटिक्स रीजनिंग के बारे में कुछ बातें। हम अगले क्लास में और सारे डिटेल्स में बात करेंगे। तो प्लीज़ जुड़ते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल इग्नू शिक्षा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय। विश अ वेरी गुड लक टू यू ऑल। थैंक्स इवन।